अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अदिल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर टेक टिप्स बाय अदिल टीवी। आज मैं आपके साथ एक और नई जॉब्स के अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो SSU कमांडो पुलिस का जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो किस तरीके के सवाल आएंगे और कैसे सवाल आएंगे, सारी डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो ये देख सकते हैं मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ओपन किए हैं जो SSU में आपको रिटन टेस्ट देने में मदद देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुँच सकेगी। तो ये देख सकते हैं इंग्लिश, कम्प्लीट द सेंटेंस बाई चूसिंग द मोस्ट अप्रोचुअट ऑप्शंस फ्रॉम द गिव। इसको आप पढ़ने रीड करने के लिए, पहला सवाल जो इन्होंने दिया ही डैश टू अस टुमारो, इसमें भी क्या आएगा आप ये देख सकते हैं। इसमें कम आएगा, इसमें इस डैश में कम आएगा क्योंकि ये देख सकते हैं ही टू अस अगले दिन की बात कर रहा है, ये बात हमारी पास्ट में चली जाती है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे कम्स। तो ये देख सकते हैं ही रन फास्ट डैश ही मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ आपका जो प्रपोजिशन कौन सा लगेगा वो यहाँ लगेगा सो। तो नीचे आ जाते हैं MS उज़्मा वर्क डैश देन MS सारा। तो ये सवाल पढ़ लेते हैं, इसका जो जवाब है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसका जवाब क्या है। तो दूसरा सवाल दिया इन्होंने, सलमाना इज़ आ गुड स्पीकर डैश शी इज़ आल्सो राइट वेल। तो इसमें जो इन्होंने आंसर दिए हैं ये देख सकते हैं इन एडिशन, तो ये पढ़ सकते हैं नेक्स्ट एज। तो इसके बाद नीचे आ जाते हैं चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन अ मीनिंग, ये जो डेलिकेट वर्ड है इसकी जो करीबी मीनिंग है वो कौन सी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफ़िकल्ट, ईजी, सेंसिटिव, फ्रेजल। तो इसके बाद ये देख रहे हैं रिवर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है, इस तरीके से इवा। तो यहाँ से फेल की मीनिंग क्या होगी, इसकी बिग ब्लड हाई डीप, तो इसकी फेल की जो आपने देख सकते हैं। और ये इन्होंने एक समरी दी होगी आपको, ये समरी से आपको इन्होंने क्वेश्चन निकालने होंगे, तो इधर से आपको इनमें इस समरी में से जवाब मिलेंगे। तो आपने पहले तो इस समरी को अच्छी तरीके से रीड कर लेना, रीड करने के बाद इन्होंने जो सवाल दिए होंगे तो आप अच्छी तरह यहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। व्हाई डिड द प्लोसोरिस गेट अप, तो इसके जवाब आपने अच्छी तरह रीड कर लेनी। अगर मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन का जो सब कुछ बताता चलूँ तो हमारा बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये सारे पेपर आपको ये मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं इनको। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाने के बाद हु वेंट टू स्लीप फास्ट, तो इसका आंसर क्या है, दसवां सवाल देख सकते हैं आपने, इस आंसर को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। इसके बाद वाई डिड द बार बेर शाव ऑफ द हेड ऑफ द, आपने ये सवाल पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इसका जो सही जवाब है वो आपको बताता। आपने अच्छी तरह ये सवाल ज़रूर पढ़ लेने, इस जो मैंने एक वेबसाइट ओपन की जिस पे इन्होंने पेपर शो किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी फुल तैयारी कर सकते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से। आपने सारे सवाल पढ़ सकते हैं, इसमें इंग्लिश में जो सवाल दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिस पे उनका प्राइम नंबर वो होते हैं जिस पे उसका टेबल और सिर्फ वन का जाए। तो यहाँ देख सकते हैं टू पर टू का ही जाता है और वन का जाता है, तो 19 पे भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 37 में नहीं होता है, 51 में नहीं, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। तो यहाँ से आपने अच्छी तरीके से इसे रीड कर लेना है, रीड करने के बाद ये देख सकते हैं आपको ये इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश के सवाल दिए, आपको बहुत यहाँ से हेल्प मिल जाएगी इंग्लिश के सवाल। हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम ड्यूरिंग फ्यूज
क्लिपिएट, तो आपने सिंपली ये सारा रीड कर लेना। अगर आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो आप जो ये देख से, ये एक और सवाल इन्होंने दिया है, K2 इज द सिचुएटेड इन अ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज, हिंदूकश, कराकरम, हिमालया, सुलेमान। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन, इन्होंने 44 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 46 दिए हैं। इसकी जो आंसर की है वो इन्होंने नीचे आपको दिए, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सारे सवालात को अच्छी तरीके से जवाब के ज़रिए याद कर लेना, और आपको बहुत यहाँ से हेल्पफुल ही होगी। आपका जो SSU का इंग्लिश का पेपर है वो बहुत आसान कर दिया है मैंने। आप ये वीडियो ज़रूर देखेगा और ये एंड तक देखेगा, ये सारे सवालात आपको बहुत हेल्पफुल ही होंगे। तो इसमें ये देख सकते हैं, स्टडी रिटन टेस्ट 25 मार्क्स का, ये जो इंग्लिश का पेपर है वो 25 मार्क्स का है। तो आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आपने सिंपली वहाँ से जाके इस वेबसाइट पे जाके आपने ये तैयारी करनी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा।